इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे, चाहे आम आदमी हो या सरकारें हो, वो धड़ाधड़ वृक्षों को काट रहे हैं जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि आप अंधाधुंध वृक्षों को ना काटें, इसके विपरीत कोशिश करें कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और वातावरण को शुद्ध करने में मदद करें। मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने घरों में गमलों में या बड़े बड़े ड्रमों में वृक्ष लगा लेते हैं। ऐसा करने से जहां उनको देखने के लिए हरियाली मिलती है, वहाँ ही उसके साथ साथ ऑक्सीजन के लेवल में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करूँगा कि आप लोग अवश्य पेड़ लगाएं, छोटे छोटे पौधे लगाएं गमलों में और ड्रमों में, या और भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमारे यूज़ में नहीं होती लेकिन वो प्लांटेशन के काम आ सकती हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में आप प्लांटेशन लगाने की कोशिश करें जिससे कि कम से कम आपके घर का वातावरण शुद्ध हो सके। मैं पंजाब सरकार को भी बेनती करूंगा कि वह अधिक से अधिक प्लांटेशन लगाए या बड़े ट्री लगाए, जहाँ जो हमारे कन्वेंशनल वृक्ष हैं, पेड़ हैं, जैसे कि पीपल और बोर का वृक्ष या ऐसे ही और कई तरह एक नीम आदि के अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जिससे कि वातावरण शुद्ध हो सके। जो हमारे ट्रेडिशनल वृक्ष हैं उनकी लाइफ ज़्यादा है, इसलिए ऐसे वृक्षों को लगाना अति ज़रूरी है। ऑर्नामेंटल ट्रीज देखने को तो अच्छे लगते हैं लेकिन उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऑर्नामेंटल ट्रीज के अलावा जो दूसरे वृक्ष हैं, जैसे कि हमारे कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल वृक्ष हुआ करते थे, जैसे कि पीपल का ट्री, बोर का ट्री या नीम तरेक या ऐसे ही टल्ली जिसे हम शीशम भी बोलते हैं, ऐसे वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखेंगी, हमारे बच्चे, हमारे पोतरे, हमारे पड़पोतरे हमें याद रखेंगे कि हमारे माँ बाप या हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें अच्छा वातावरण देके गए हैं या जा रहे हैं। सो मेरी आप लोगों से ये बेनती है या रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें अधिक से अधिक पेड़ लगाने की, जहाँ जगह मिलती है वहाँ पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने के बाद उसका पाल पोषण भी करें, ये नहीं कि पेड़ लगा दिया और उसके बाद उसे भूल गए, जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए करते हैं कि उनको बड़े प्रेम से बड़े करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और जीवन में उनको सफल बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह
हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें और उसके उसको बड़ा करें, तभी फ़ायदा है। पौधे को लगाने के बाद उसे भूल जाने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए पौधे लगाएं और उनका पालन पोषण करें, उनको बड़ा करें ताकि मानवता को उसका कोई फल मिल सके और ऑक्सीजन लेवल में बढ़ोतरी हो सके। सो ऑक्सीजन हमारी लाइफ है, लाइफ लाइन है, इसके लिए प्रयत्न करें। अस्पतालों में जाके हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाने की ज़रूरत ना पड़े, तो इतना ही काफ़ी है। और मेरा यकीन है कि आप कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए और जीवन को आगे ले जाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच ब्रदर्स, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना और मैं आशा करता हूँ कि आप अमल भी करेंगे और अपना और अपने परिवार का और आने वाली नस्लों का जीवन खुशहाल करने में सहयोगी साबित होंगे। और अगर ये मेरे विचार या ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।